नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो गया है। लोकसभा औरंगाबाद क्षेत्र के टिकारी के मतदान केंद्र 187, तितारीगंज के मतदान केंद्र पर ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण 2 घंटे में विलंब से मतदान का कार्य प्रारंभ हुआ। वहीं दूसरी तरफ किला अंदर बूथ नंबर 188 पर महिला एवं पुरुषों का शांतिपूर्ण तरीके से एवं समय के अनुकूल मतदान केंद्र पर मतदान करते देखा गया। टिकारी कि रानीगंज प्राथमिक विद्यालय में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने पर 1 घंटे विलंब से मतदान प्रारंभ हुआ। मगध विहार ब्यूरो विश्वनाथ आनंद, कैमरामैन संतोष पांडे के साथ। बहुत शांतिपूर्वक है। आप तो मतदान के लिए मतदान केंद्र से वोट लेकर आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से है? मतदान शांतिपूर्ण तरीके से है। क्या नाम है आपका? मतदान केंद्र गए हैं, कैसा लगा आप लोग का? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार। अच्छा, कहाँ घूम रहे हैं? वोट दे के आ रहे हैं। कहाँ था मतदान केंद्र? म्यूनसिपैलिटी में। अच्छा, हो गया शांतिपूर्ण? हाँ हाँ, बहुत शांतिपूर्ण। क्या नाम हुआ आपका? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करके आ गए? आपका देखे चीन देखे कहाँ से? क्या नाम हुआ आपका भैया? मंटू लाल। अब मतदान केंद्र होकर आ गए? अभी नहीं जाना। नहीं जाना है, बड़ा विलम्ब कर रहे हैं। वोट पहले दे करके आई है। आइए आइए, कहाँ से मिले? आगे बोलिए। वोट दे दिए मतदान लोजपा को, लोजपा के नेता। हाँ, इनको लीजिए। कहाँ से आ रहे भैया? जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वोट देने रहा, अभी नहीं दिए हैं, जा रहे हैं देने। अच्छा ठीक। क्या नाम हुआ आपका? इनका वोट देने वाले। अपना पहचान पत्र निकाल दीजिए। नमस्कार। पहचान पत्र कदम उसको कर दिया था ना। हाँ, आ गए तो साहब से पत्नी का बड़ा रहेगा कि चॉकलेट बैठ रहा है। सही है सर, शांतिपूर्ण तरीके से कोई तरह के दिखे कोई दिक्कत नहीं। कितना बजे से प्रारंभ हुआ है? कितना बजे से प्रारंभ हुआ है? 7 बजे से शुरू हुआ है। किसी तरह का दिक्कत नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम। पेयजल की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है। है बिजली भी नहीं है? देखे थे इसको, इनको हटा दिए हैं। तो इस तरह क्या कहते हैं? नहीं दिक्कत नहीं है। सात बजे प्रारंभ हुआ है? सात बजे प्रारंभ हुआ है। अभी तक तो काम ही है। हम लोग खड़ा थे, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं। सुबह से दवाई दवाई लेंगे ना। एक बार सब सब तो एक ही बार कीजिएगा तो क्या होगा? मतलब लंच का टाइम टोपी भी नहीं, वर्दी नहीं, पूरी वर्दी नहीं। मतदान दे दिए? मतदान दे दिया? मतदान दे दिए? वोट किए? वोट किए? चिन्ह दिखाइए, निशान दिखाइए।
ऐसे दिखाइए ना। क्या नाम हुआ आपका? किस जगह पर मतदान आई थी करने के लिए? बोरी बा। क्या नाम हुआ? कितना बजे से मतदान केंद्र पर मतदान का कार्य प्रारंभ हुआ है? 7 बजे। 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है? कितना बजे से प्रारंभ हुआ है सर? 7 बजे से हो गया है। कोई तरह की दिक्कत है? यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है? कौन सी है? क्या आपकी परेशानी है क्या? कहाँ आई हो मैया? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ बाबू? अच्छा ठीक। आज प्रारंभ दूसरे चरण है लोग मतदान केंद्र पर मतदान देने जा रहे हैं। आप लोग भी गए हैं, इसके संदर्भ में आप मैं चुनाव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरह से प्रशासन व्यवस्था किए हैं और हम लोग से बहुत सुविधा है वोट देने में। और मांग करना चाहता हूँ आगे भी ऐसा व्यवस्था करेंगे जो हम लोग अच्छा तरह से वोट दें। और चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। आगे व्यवस्था को हम थोड़ा सा मांग करना चाहता हूँ कि आगे जो है यह व्यवस्था है, बहुत सा प्रशासन हर प्रकार की होती है, मोबाइल व्यवस्था के द्वारा हम लोग के चुनाव कराया जाए, जो घर घर में जो है मोबाइल से ही जो है किसी को भी हम लोग वोट देकर जिताएँ। इससे सरकार को भी खर्च मतलब बचेगी और हमारा भी परेशानी और सारा लोगों को परेशानी इससे मतलब जो मुक्ति मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा है। किस जगह पर मतदान केंद्र है आपका? मेरा मतदान केंद्र मकपा मिश्र विघा के पास है। थैंक यू। आप कुछ कहना है क्या आज? मतदान चुनाव एरिया के बारे में कुछ कहना है कि सरकार जिसका भी बने लेकिन पुराने सिस्टम में जो कुछ चेंजिंग होना चाहिए, जैसे प्रशासन के हिसाब से जहां संवेदनशील बूथ है वहां प्रशासन लगाया जाए, कर्मचारी को लगाया जाए, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि इलेक्शन में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, वो पैसा गार्जियन के जनता का ही होता है और धूप में खड़े हैं जनता। तो उसके लिए जैसे हमने सोचा कि भाई दूर पंडाल पे एक पिंक कलर का है तो वो लेडीज़ का है, ये बूथ इसका है, इससे पता चल जाता है। लेकिन मतदाता के लिए भी चाहिए कि वोट दे तो उसको एक ट्रॉफी भी काहे नहीं मिले या उसका एक छाँ क्यों नहीं मिले, ये सरकार की तरफ से मांग करना चाहते हैं। और ये चाहना चाहते हैं कि जो पुराने सिस्टम जो आया है इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है इलेक्शन, सरकार भी जानती है कि संसद चलता है, इलेक्शन होता है, ज़्यादा पैसा लगता है, तो उसके कुछ कटौती किया जाए जहाँ संवेदनशील बूथ है। संदेश देना क्या चाहते हैं आप अपने बात जो निर्वाचन आयोग तक रखना चाहते हैं उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग जो ये पुरानी सिस्टम है जिसमें पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा और कर्मचारियों को ज़्यादा जिस जगह पे लगाया जाता है उसमें कुछ कटौती किया जाए और मतदाता को कुछ सुविधा दिया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बोलिए सर। बोलिए। इंडिया न्यूज़ मतदान केंद्र? इंडिया न्यूज़ इंडिया। मेरा मतदान केंद्र है जलेबी। आइए सर। आदर्श मध्य विद्यालय जय सर। बोलिए। इंडिया चैनल है ऑल इंडिया न्यूज़। देखे भाई आज़ादी के बाद स्टार्ट किए हुए हैं? जी सर। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने विकास का तो बहुत काम किया लेकिन बाद में कांग्रेस देश को लूटने का ही काम किया। और सरकार जब कभी बने भी कांग्रेस से तो गठबंधन को जो सरकार बनी उससे और देश को नुकसान हुआ क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त हो। अगर मोदी नहीं आते तो देश की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए मतदान केंद्र पर गए थे क्या? हाँ। अब वोट दिए? हाँ। कैसा लगा वोट करने में? हाँ ठीक है।
शांतिपूर्ण मतदान। आपका चिन्ह मिला है तो? हाँ दिखाइए ना। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम विशेष कर। किस मतदान केंद्र पर आप वोट देने गए थे? खासपुर म्यूनसिपल। वहाँ शांति व्यवस्था थी? हाँ। किसी प्रकार की दिक्कत? ना कोई दिक्कत। उस जगह पर धूप में लोग मतदान केंद्र पर खड़े हैं, अभी धूप में रहकर दिए हैं मतदान? अभी हम तो सवेरे गए थे तो सवेरे कोई खास धूप नहीं था, अब धूप हो गया होगा। अब क्या संदेश देना चाहते हैं निर्वाचन? हम संदेश देना चाहते हैं कि मतदान जहाँ केंद्र है वहाँ पर वोटरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जल का भी व्यवस्था होना चाहिए, दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और धूप में जो खड़े होकर के महिलाएं दे रही हैं परेशान होकर वोट, तो बचने के लिए कुछ छाया का इंतजाम होना चाहिए। ऐसे तो निर्वाचन आयोग ने तो इस तरह की व्यवस्था की है, सेंटर पर नहीं था क्या? लोकतंत्र का प्रथम चरण का मतदान बिहार के चारों संसदीय क्षेत्र में 4:30 बजे तक, गया में 46%, जमुई में 54%, औरंगाबाद में 48.56% और नवादा में 47% मतदान किया गया।